हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूरी सीरीज बनाएंगे, तीन या चार वीडियोस होगी उसमें, जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इजी से लेके टफ तक। तो आप पूरी की पूरी जितने भी पार्ट्स है इसके पूरे के पूरे देखिए, आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, कोई ट्विस्ट वाला क्वेश्चन हो, बीच में कोई मोड़ दिया हो क्वेश्चन में, आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी बोर्ड के आप कर रहे क्वेश्चन, ठीक है, वो टफ से टफ बोर्ड है, इजी से इजी बोर्ड है। तो हम इस तरह से इस सीरीज में करेंगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कवर हो जाएंगे। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का कर दीजिए, अभी कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे पहले आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया, उसको क्या बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितना चेंज आया उसको मेजर करने के लिए, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ये क्या होता है, एक मेजर होता है किसके लिए, कि किसी भी डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड में चेंज होने की वजह से। डिटरमिनेंट क्या होते हैं, पी एक्स पी आर वाई टी ई, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, इन सब में से किसी से भी अगर डिमांड में चेंज आता है तो वो कितना होगा उसको मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बना। बट अगर हम सिर्फ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस लेते हैं, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसमें कौन सा मेथड, देखो फर्स्ट मेथड उसमें कौन सा है आपका, एक्सपेंडिचर मेथड, फिर परसेंटेज मेथड जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, और आपके पास आता है थर्ड मेथड दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड। तो हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कौन सा मेथड करने वाले हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड के इजी से लेके डिफिकल्ट तक जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं एक सीरीज में, जिसमें तीन चार जो है तीन चार आपके पार्ट्स होंगे इसके, पूरे आप पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। तो देखो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपका कैसे होगा, पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। यहां पे पी क्या है, इनिशियल प्राइस, इसको आप ओल्ड प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो पहले आपका प्राइस था वो हो गया आपका। और यहां पे Q क्या है, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और उसके बाद चेंज इन Q जो होता है वो निकलता है न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, और चेंज इन पी निकलता है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस या फिर इनिशियल प्राइस, ये आपके पास, ठीक है, इस तरह से आपके पास निकलेगा। और यहाँ पे हमेशा आपके पास नेगेटिव साइन लगा होगा, विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। और जो ये रिजल्ट आया आपके पास वो कहां से आया, ये आया आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू नेगेटिव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, यहां से ये रिजल्ट आया। क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल का होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, वो आपको बता देगा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि हमारे पास प्राइस जो है वो कितना है, 100 है, मान लो प्राइस कितना है, 100 है। जब प्राइस 100 है, मान लो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 200। अब प्राइस आपका बढ़ के 200 हो गया, क्वांटिटी डिमांड मान लो कितनी हो गई, 100 हो गई, कि डिमांड जो है आपकी वो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है आपने, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, ये आपका देखो ये आपका Q1, ठीक है, ये क्या आएगा Q1, ये आपका यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दो उसको,
ताकि आपको पता लग जाए ये इनिशियल क्वांटिटी है, ये न्यू क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हम फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर निकालना है, नेगेटिव साइन सबसे पहले लगाया, पी अपॉन क्यू इनटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, इसको हम डेल्टा भी बढ़ते हैं। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन, कितना चेंज क्वांटिटी में आया, कितना चेंज प्राइस में आया। तो माइनस को हमने माइनस रखा, पी कितना है हमारे पास 100, क्यू कितना है हमारे पास 200। चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू, Q1 कितना है 100 माइनस 200, कितना आ जाएगा माइनस 100, ठीक है। तो यहां पे क्या डाल दिया हमने, माइनस 100 डिवाइड बाय P, 200 माइनस 100, P1 माइनस P, ये बच जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये बच जाएगा 1/2, जिसका आंसर होगा 0.5, विच इज लेस देन यूनिटरी। तो आपकी कितनी होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस देन यूनिटरी। तो इसको देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक था आपके लिए। कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार कई बोर्ड में बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, तो हो सकता है ऐसा भी पूछ ले डायरेक्ट जो इससे रिलेटेड हो, इसको भी ध्यान से करें। फिर अब हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, वो बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल उससे रिलेटेड था। ये बोलता है एट रुपीज 36 पर यूनिट, एट रुपीज 26 पर यूनिट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी is 30 units, ठीक है। If the price, ठीक है, तब तक हो सकता है आप खुद भी कर सकते हैं इसको अगर करना चाहे। If the price increases from 26 to rupees 30 per unit, the demand decreases to 15 units. The demand to 15 units. Calculate price elasticity of demand. You have to find ED. It's very simple. कि आपके पास पहले initial price कितना है? ये निकालना है आपने, तो बी आपके पास दिया है 26, फिर बढ़ के वो कितना हो जाता है 30। डिमांड आपके पास कितने दिए पहले, देखो डिमांड ये 30 यूनिट्स, तो क्वांटिटी कितना है 30, तो Q1 कितना बोलता है द डिमांड डिक्रीजेस टू 15 यूनिट्स, कितनी हो जाती है 15। तो यहां से भी सिंपल क्या कर दो आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस पी कितना है इसमें 26, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे का वैसे, डिवाइड बाय क्यू कितना है 30, इनटू चेंज इन क्यू 15 माइनस 30, चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा Q1 माइनस क्यू, डिवाइड बाय चेंज इन पी कैसे निकलेगा आपका P1 माइनस पी, P1 माइनस पी, तो यहां पे क्या जाएगा माइनस साइन, ठीक है। 26 डिवाइड बाय 30 इनटू Q1 माइनस क्यू 15 माइनस 30 माइनस 15, P1 माइनस पी 30 माइनस 26, 30 माइनस 26 कितना होगा भाई 4, तो यहां पे कैंसिल कर दो इनको, 15 टू 30 टू 30, तो ये बचाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 4, तो 4 थ्री 12, 1 4 टू 8 2 4 5 20, तो 3.25 इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था, इसको ध्यान से देखो। अब हम करने वाले नेक्स्ट to be
negative 2, price falls from rupees 10 per unit to rupees 8 per unit. Find the percentage change percentage increase इन क्वांटिटी डिमांड. आपको क्या किया दिया है, देखो P आपको दिया है कितना 10, E1 कितना दिया है 8, यहां पे दिया है 10 टू 8. फिर उसके बाद आपको ED भी दिया है, ED आपको कितना दिया है माइनस 2, नेगेटिव 2. ठीक है, तो यहां पे क्या कर देंगे आप, सारा कुछ दिया है आपके पास. सबसे पहले आप यहां से क्या निकाल देंगे, चेंज इन पी, चेंज इन पी, चेंज इन पी कैसे निकलेगा, P1 माइनस पी अपॉन पी. याद रखना कैसे निकलता है चेंज इन पी, चेंज इन पी नहीं, यहां पे चेंज इन पी निकाल दिया आपने सबसे पहले. ठीक है, तो चेंज इन पी निकल गया P1, 8 माइनस 10 कितना आ गया माइनस 2. अब निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो निकलता है चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100. तो चेंज इन प्राइस माइनस 2 था, प्राइस आपका ओरिजिनल कितना था 10 टू 8 हुआ था, 10 टू 8 इसका मतलब 10 ओरिजिनल है आपका इनटू 100, 10 से 10 कट गया. कितना आ गया आपके पास, A2 था, चलो A2 है, तो कितना बन गया माइनस 20, कितना बन गया माइनस 20. तो यहां पे क्या हुआ, आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस माइनस 20 आ गया. तो एक फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं आप, तो ED इक्वल्स टू, एक चीज ध्यान रखना जब आपके पास, यहां पे सीखने वाली चीज है इस क्वेश्चन में, जब आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन, यहां पे गिवन है और नेगेटिव साइन के साथ है, तो आपको यहां पे नेगेटिव नहीं लगाना है क्वेश्चन में. जो ये वाला नेगेटिव है ये नहीं लगेगा, अगर ये इसका आंसर पहले से दिया है और नेगेटिव है तो यहां लगेगा सीधा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है. तो यहां पे क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस 2, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो तो निकालना है आपने, यही पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड, तो इसको ऐसे कैसे रखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज गिवन माइनस 20. तो यहां से ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस माइनस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1, तो माइनस 20 इंटू माइनस 2, माइनस 20 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू दिस, ये क्या बचेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना बन जाएगा 40, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया 40 आया आपके पास. इस पॉजिटिव में आया इसका मतलब है इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कितनी हुई, क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कितना हुआ 40. ठीक है, पॉजिटिव में आया था तो ये क्या हो गया. तो इसके साथ हमारे तीन क्वेश्चन इसमें हो गए, नेक्स्ट वीडियो में तीन क्वेश्चन और करेंगे.